हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि विद्युत विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है या विद्युत क्षेत्र कितना होता है। आज हम देखेंगे निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, तो विद्युत विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होता है। विद्युत विध्रुव किसको बोलते हैं? हम जानते हैं जब कोई भी जाती या आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत विध्रुव। निरक्षी स्थिति में, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब विद्युत विध्रुव के अक्ष के लंबवत दिशा में, इस डायरेक्शन पे कहीं पर, इस अक्ष को हम लोग बोलते हैं निरक्षी स्थिति। अक्षी किसको बोलते हैं? विद्युत विध्रुव के अक्ष के समानांतर इसके किसी और आगे बढ़ाए गए अक्ष पर। ठीक है, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। ठीक है, ये निरक्षी स्थिति कहलाएगा। तो इस स्थिति पर, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में एड कर देंगे, वही क्या कहलाएगा हमारा, बिंदु पी पर निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए एक पॉइंट्स मान लेते हैं, माना ए बी एक विद्युत विध्रुव है, ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब ए बी से, ए बी के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से ये ए पी डायरेक्शन है और ये बी पी डायरेक्शन है। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल बना रहा है यहाँ से, ये सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, सेम एंगल बनाएगा दोनों बिंदु पी पर, लंबार्धक पर स्थित है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं, माना ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र कौन से आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो E माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू, ये होता है 1/4πε0 इनटू क्यू अपान, डिस्टेंस कितना है AP, इसका डिस्टेंस है AP, तो ये हो जाता है AP का स्क्वायर। अच्छा, विद्युत विध्रुव जो होता है AB, इनके बीच की लंबाई को हम कितना मानते हैं, इनके बीच की लंबाई को 2L मानते हैं। ठीक है, उस हिसाब से ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा L, यहाँ से आधा L है, 2L हो जाता है विद्युत विध्रुव के लंबाई। ठीक है, तो ये AP का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू आवेश के कारण, यह होता है 1/4πε0 क्यू अपान, डिस्टेंस कितना है पी पी, ये हो जाएगा बी पी का स्क्वायर, इतना होगा। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसका थोड़ा सा डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ए बी पर पी का डायरेक्शन किधर है, बिंदु पी का डायरेक्शन, सॉरी विद्युत विध्रुव का डायरेक्शन किस, विद्युत विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, मतलब जो पी का डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। ठीक है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण का। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा। देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो चूंकि यहाँ पर बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश होता है, तो जो माइनस आवेश होता है वो क्या करेगा, ई को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगा, ई का डायरेक्शन। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन पे होगा, ये होगा ई माइनस क्यू के कारण, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है,
प्लस क्यूआरएस क्या करेगा, उसको रिपल करने का प्रयास करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन पे होगा, ये डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन पे। ये किसका है, ई प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण इधर होगी। नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब एक माइनस क्यू इधर खींच रहा है, प्लस क्यू इधर ले जा रहा है, तो वो जाएगा कहां, फिर वो नेट डायरेक्शन हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, ये हो जाएगा ई की दिशा, ठीक है। इस प्रकार से ये डायरेक्शन हमको ज्ञात करना है। अच्छा, एंगल डिफाइन कर लेते हैं। देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पैरेलल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, यहाँ पर ई माइनस क्यू को रिजॉल्व करते हैं और ई प्लस क्यू को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए ये रिजोल्यूशन आपने 11th क्लास में सीखा है। ई प्लस क्यू के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक कॉम्पोनेंट इस अक्ष के समानांतर और एक कॉम्पोनेंट इस अक्ष के लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो ई प्लस क्यू का जिस आधार से ये कोण बनाता है, ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है। इसका लंबवत वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, कंप्लीट। वैसे ही ई माइनस क्यू के दो कॉम्पोनेंट होंगे, ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो जिस आधार से वो कोण बनाएगा, ये वाला इसका कंपोनेंट का ये कंपोनेंट होगा e माइनस क्यू कॉस थीटा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा e माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखेंगे e प्लस क्यू साइन थीटा और e माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ये e प्लस क्यू है और ये e माइनस क्यू है, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जिसके कारण से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और ये e प्लस क्यू कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन, e माइनस क्यू इन दिस डायरेक्शन, दोनों ही क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड e किसके बराबर होगा, e प्लस क्यू कॉस थीटा और e माइनस क्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र e बराबर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, बस इसको हमको सॉल्व करना है, आगे गणना करनी है। अच्छा देखिए, ये जो ई प्लस क्यू है और ई माइनस क्यू है, चूंकि ए बी से ये दोनों बिंदु पी से समान दूरी पर है, ठीक है, इस कारण से ई प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू के प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र समान होगा परिमाण में, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग है, परिमाण में समान है। ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, चूंकि ई प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा या टू माइनस क्यू कॉस थीटा। cos theta कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा e प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू टू ई प्लस क्यू, एक ही को लेंगे किसी भी को, दोनों ही सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e प्लस क्यू का मान कहाँ से निकाल लेंगे, ये वाला नोट कर लेंगे, हमको निकालना है अब cos theta की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख लेते हैं cos theta की वैल्यू। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, चलिए एक कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, ये है OPB। देखिए ये वाला जो लेंथ है वो L है, ये वाला है R और हमको निकालना है ये है थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार ये है कर्ण ये है, तो cos थीटा बराबर OB बटे कर्ण क्या है PB। अच्छा आपको PB का वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो PB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, PB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब R स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग क्या है L स्क्वायर। तो PB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PB इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से PB का वैल्यू रख देंगे, OB का मान L है, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो आपको cos थीटा का वैल्यू भी मिल गया,
ई प्लस क्यू का मान भी पता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इज इक्वल टू टू, ई प्लस क्यू का मान कितना है ये 1/4πε0 q/q bp का स्क्वायर। अच्छा bp का मान कितना है, तो ये है bp का स्क्वायर, चलिए उसको मान रख देंगे, इनटू cos थीटा। cos थीटा का मान है कितना, यहाँ पर cos थीटा का मान है l अपान, ये cos थीटा का मान है l अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा bp का मान कितना है, bp का मान bb या bp दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको भी रख देते हैं, इज इक्वल टू 2/4πε0 q/bp का मान कितना है, bp का अच्छा स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ओके इनटू l अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 1 है, यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर होता है 1/2, मतलब e इज इक्वल टू ये है 2QL, अंश को देखिए 2QL अपान 4πε0, ये है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब होता है इसका पावर 1/2 है, 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो e इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा ये 2QL ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं, P इज इक्वल टू होता है Q क्रॉस 2L, 2QL, तो इसको इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है Q क्रॉस 2L, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे P, तो E is equal to हो जाएगा, E is equal to इसके जगह पर लिख देंगे P, P upon small letter में रहेगा P जो है 4πε0, ये हो जाएगा R square plus L square, देखिए power 1 है plus 1/2, 1 + 1/2 that is equal to 3/2, मैं एक ही लिख देता हूँ 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा answer electric field का। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए P का डायरेक्शन किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू इन दिस डायरेक्शन, E का डायरेक्शन किधर है, इन दिस डायरेक्शन, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप वेक्टर फॉर्म लगाएंगे या वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस यही आंसर रहेगा। अच्छा यदि आप वेक्टर नहीं लगाते हैं तो सिर्फ रिजल्टेंट परिमाण के रूप में लेना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अच्छा हम देखते हैं कि जो 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है वो अत्यल्प होती है कंपेरेबल टू R, जो इस पर बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं उसकी तुलना में, उसकी दूरी की तुलना में ये लंबाई कम होती है, मतलब केसेस है स्थिति हम जानते हैं, इफ L इज लेस देन R, जब L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, तो हम यहाँ पर हर से L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान 4πε0, देखिए यहाँ पर R स्क्वायर है, R स्क्वायर 2e power of 3/2, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा R का क्यूब, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही आपको आंसर, यही आंसर है इज इक्वल टू P अपान 4πε0 R का क्यूब, ठीक है। यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर क्या समय जाएगा माइनस, बस इतना ही है। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना की जाती है, सरल है एकदम। चलिए एक बार हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। देखिए इससे पहले हमने बात किया था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पहले वीडियो में हमने देखा था कि अक्षीय स्थिति में क्या था, यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव थे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यहाँ पर बढ़ाए गए अक्ष के अनुदिश बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात किए थे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात किए थे, ठीक है। वो कितना हुआ था, इज इक्वल टू 1/4πε0 2P/R³, यही आया था। इसमें क्या आया है, इज इक्वल टू -P/4πε0 r³, देखिए यहाँ पर 2 times है यहाँ पर। तो यदि आप कंपैरिजन करेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में,
तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी की तुलना में दुगना होता है, वहीं निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र अक्षी की तुलना में आधा होता है। ठीक है, तो ये एक रिजल्टेंट है। दूसरा क्या है अंतर, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन का, यहाँ पर पी का डायरेक्शन किधर है, इन दिस डायरेक्शन। ई का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र भी किधर लगता था, इस डायरेक्शन पे। तो नेट ई का डायरेक्शन पी का डायरेक्शन दोनों सेम है अक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षी में क्या है, निरक्षी में ई का डायरेक्शन पी के अपोजिट डायरेक्शन पे है, पी का डायरेक्शन इन दिस साइड, ई का डायरेक्शन इन दिस साइड। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था। चलिए एक बार अभी तक का जितने वीडियोस हमने देखे थे उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले हमने बिंदु आवेश के बारे में पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, उस पर फोर्स कितना लगता है, हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। देखिए एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पर हमने बल देखा था, तो वो होता था एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q2/r का स्क्वायर, ये बल का फॉर्मूला था कूलाम का नियम। ठीक है, तथा इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर होता था। फिर हमने क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्ष पर विद्युत किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इज इक्वल टू ये होता है 1/4πε0 Q/r का क्यूब, सॉरी P/2π/r³ होता है। ठीक है, और निरक्षी स्थिति में क्या होता है, निरक्षी स्थिति में इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। तो इतना हमने अभी तक स्टडी किया है। ठीक है, इसके आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो कितना होता है, टॉर्क लगेगा वो कितना होता है, साथ में स्थितिज ऊर्जा की गणना भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।